सभी को ही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय मिल गया। मत्ती किताब हालेलुया। हेडिंग क्या है जी पास्टर जी? हमारे पास ये तैयार नहीं है जी। यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश, ये क्यों बोला गया है? यरूशलेम में विजय प्रवेश क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर निर्णय लेते हैं, यहाँ पर अपने परमेश्वर की इच्छाओं को क्या करते हैं पूरा करने के लिए। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले एक जैसे बीड़ा उठाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? बीड़ा ही बोलते हैं ना, सो बीड़ा ही बोलते हैं। मैं ये काम करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने इस जो खुदा की ओर से जो उनको सेवा मिली उस सेवा को लेकर वो खड़े हुए और परमेश्वर के राज्य के लिए वो आगे बढ़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पूरा समझ में आएगा क्योंकि ये जरूरी है आपको बताना। प्रभु आपको चंगाई छुटकारा निश्चय आज देगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ये जो क्या नाम है निर्णय लिया है ना, वो आपके छुटकारे के लिए निर्णय लिया, आपको चंगाई देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए ही, आपको आशीषित करने के लिए ही ये निर्णय लिया गया है। आमीन। जी भैया पढ़िए, पहले पद से पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे हाँ, और जैतून पहाड़ पर हाँ, बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा जी, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा बच्चा तुम्हें मिलेगा। एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ क्या मिलेगा? किसका बच्चा? भाई ने पढ़ा, थोड़ा से समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है ना? गधे का बच्चा मिलेगा और आगे उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। ध्यान रखना ये वचन बहुत गहराई के साथ सुनना है आपको। आमीन। जाओ खोल के लाना, अगर कोई कुछ पूछे तो क्या कहना? प्रभु को जरूरत है इसकी, प्रभु की आवश्यकता है इसकी। आमीन। जो लोग गए होंगे गधही का बच्चा खोलने के लिए, वो लोग जब वहां गए होंगे, जो लोग मतलब जो खोलते जो पूछे होंगे, तो जो वो मतलब बोले होंगे कि प्रभु को क्या है वहां पर, तो क्या ऐसे जाने दिए होंगे? आप ऐसे जाके बोल दो कि यहाँ पर क्या नाम है एक कोई भी मोटरसाइकिल खड़ी है उसको उठा के लाओ, ला लोगे? इसका इसके पीछे भी राज है। पता क्या है? यीशु मसीह सबके साथ एक अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध रखते थे। वहां पर उन लोगों के साथ अच्छा संबंध था, उनका व्यवहार था और जो भी वो कहते थे लोग आज्ञाकारिता में होकर क्या करते थे? वो करते थे। प्रभु के नाम सुनते ही हाँ जी इसको आप क्या करो, प्रभु के लिए ले जाओ, परमेश्वर के लिए मेरा ये काम ये चीज जो है अगर उपयोग होगी तो मेरे लिए बहुत ही आशीष, बहुत धन्य होगा मैं। आमीन। क्या हम आप बोल सकते कि प्रभु जो भी कुछ मेरा है अगर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो तो मैं तो बहुत ही आशीषित हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। आमीन। जैसे ही प्रभु का नाम आता है कि हम प्रभु के लिए ये काम के लिए, वो जिसकी गधही है पता है, जिसका वो बच्चा है। अच्छा इसके अंदर ये भी सवाल आता है कि यीशु मसीह गधही के बच्चे पे क्यों बैठा? अच्छा कितने लोग की शादी हो गई है? भाई लोग की, बहन लोग की नहीं, आप लोग तो नहीं बैठते कहीं पे, जोर से उठाओ यार पूरा सीधा, हाँ 10-15-16 ठीक है। कितने लोग घोड़ी पे बैठे हुए हैं? पुराने जमाने में नहीं है गा घोड़ी पे कोई नहीं बैठा? हाँ घोड़ी पे अब भैया बैठे, अब बग्घी बैठे। बग्घी क्या होता है? एक कहाँ पे? बहुत पुराना नहीं है भाई। अरे भैया फूफा के, उनके फूफा है ना रजस भैया के। अले भैया बग्घा मतलब एक्का ना। और अच्छा हम लोग अगर हमको आपको दूल्हा जब बनाया जाए, अब तो बनेगा नहीं, प्रभु का धन्यवाद तो बन चुके हैं है ना। अगर हमको आपको बोला गधा ही बैठा तो क्या करोगे? हैं बैठोगे? मनोज भैया बैठोगे? अभिषेक अजय आजाद आया
नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं बैठोगे? कुछ तो होगे दिक्कत उसमें। अरे इसके भी चार पैर है, उसके भी चार पैर है, वो चल नहीं, छोटे जानवर में वो सबसे अधिक बोझ लेकर चलने वाला है जानवर। कहते नहीं का गधा है ही का जो लाद है हमारे ऊपर, कहते कि नहीं। कभी कभी मैं भी बोलता हूँ जब मेरे ऊपर मंगोनपुरी से लाद दिया जाता है सामान, क्योंकि मना ही पैदल चलना ही पौधे तो हमारे ऊपर रह लाद दे, समझे वाले समझ जाते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह किसको चुना? एक गधे के बच्चे को चुना है। वो अपने आप को पता है क्या, सुन्न किया, दीन किया, नर्म किया। आज अगर हमको आपको दूल्हा बनाया जाता है तो पता है हमको बढ़िया घोड़ा चाहिए, या तो लोग महंगी से महंगी गाड़ी बुक करता है, हम उसमें जाएंगे, है ना। और यहाँ तक सौ लोग पाले थे, कम से कम 10-15 गाड़ी इकट्ठा ही चरचरा के जाए जहाँ जाए, है कि नहीं। ये भी शौक होता है लोगों के अंदर, है ना, दिखाने के लिए यार दूल्हा बना, एक बार तो बना ही है ना ये, इस पार के इस प्रकार से। कुछ लोग राजा लोग जो पुराने, आज के डेट में भी जो राजा लोग क्या करते, घोड़ा में बैठते। पर यहाँ पर पता है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर राजा है, लिखा हुआ है कि राजा किस पे आएगा, गधे के बच्चे पे आएगा, है ना। यहाँ पर दिखाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सुन्न किया, दीन किया, नर्म किया, और एक ऐसी वस्तु को चुना जिसको शायद हम आप नहीं पसंद करेंगे, हम आप नहीं पसंद करेंगे, गधे के बच्चे पे बैठकर पता है विजय प्रवेश करना। आज हमको आपको कोई भी चीज दिए दे दी जाए कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ऐसा आपको करना है, तो शायद हम आप मना करेंगे, क्योंकि हमको, आपको पता क्या है, हमको पहनने का शौक है। अभी कल परसों कोई खुदा के दास प्रचार कर रहे थे ना इसके विषय में, पहनने के बारे में कुछ प्रचार कर रहे थे ना, मनीष भाई कर रहे थे, बहुत सुंदर बता रहे थे हमको आपको अच्छा पहनने का, हम इसी पहनावों को सुंदर पहनना चाहते हैं, है ना, अच्छा माइक देखना चाहते हैं, अच्छी आवाज़ देखना चाहते हैं, है ना, अपने आप को अच्छा सब कुछ करना चाहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को वहाँ पर दिखाता है कि मैं सुन्न हूँ परमेश्वर की ओर से, जो मुझे काम दिया गया, वो चाहता तो रथों पर बैठता, वो चाहता तो घोड़ों के ऊपर बैठता, वो चाहता तो वो कितनी भी सुंदर बढ़िया सवारी कर सकता था, पर उसने अपने आप को खुदा के काम करने के लिए क्या किया, सुन्न किया, दीन किया। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब इसको दूसरे एंगल से आप देखोगे तो जैसे कि जो उपयोग किया गया गदही था, जो उपयोग किया गया था गदही, उसको शायद कोई सम्मान कोई आदर देने वाला नहीं था, पर जैसे उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठता है, पता है उसके सामने भी क्या होता है, उसको आदर और सम्मान मिलता है। पर आदर सम्मान किसको मिल रहा था, है? जोर से बोलो, नहीं नहीं, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसको थोड़ा आगे पढ़िए तो समझ में आएगा आपको अच्छा से, पढ़ दीजिए। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, हाँ, यदि आपसे कोई कुछ पूछे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, हाँ, प्रभु इसे इस्तेमाल करेगा, प्रभु को जरूरत है, तब वह तुरंत भेज देगा। तब तुरंत वो व्यक्ति मेरे नाम सुनते ही वो क्या करेगा, आपके साथ वो गधे का बच्चा भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि, हाँ, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था जी, वह पूरा हो। हाँ, सियोन की बेटी से कहो, हाँ, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। क्या है, जोर से बोलो, क्या है, वो नर्म है, दीन है, इसलिए कहाँ बैठा है, गधे पे बैठा है, और लादू के बच्चे पर, हाँ, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उसे कहा था, हाँ, वैसा ही किया जी, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े बाग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में
बिछाई। हाँ, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान हो सना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में हो सना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलीली के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसके बारे में जब आप पूरा अध्याय जब आप पढ़ोगे तो आपको और गहराई में समझ में आएगा, पर कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब गधही के बच्चे पे वो बैठता है, जब वो उस पे बैठता है, जब वो चलना शुरू करता है, तो पता क्या होता है, उसका जो गधही जब वो जाने लगी, जब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा, गधे के ऊपर जब वो जब जाने लगी, यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ के जा रहा है, तब यहाँ पर वचन कहता है कि उसके सामने लोग क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, कौन सा पत्ता था, हाँ, खजूर का पत्ता काट कर उसके आगे बिछाने लगे, और कुछ लोग अपने पवित्र कपड़े क्या कर रहे थे, उसके सामने बिछा रहे थे कि मेरा राजा इधर से आ रहा है, मेरा प्रभु इधर से आ रहा है, उसका स्वागत करने लगे, उसका सम्मान करने लगे, उसका आदर करने लगे। आमीन। अब इसको जब मनन करोगे, जब इसके अब गहराई में जाओगे, वो लोग प्रभु को समझ लिए, जान लिए कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आ रहा है। यही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब ये यात्रा करता है, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण करता है कि मैं खुदा की ओर से जो आया हूँ, ये बोझ मैं उठाने के लिए, और अपने आप को जो प्रभु देता है तो लोग उसको उसी भाव में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे कबूल करते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पर थोड़ा से और हम गहराई में जाएंगे, जब हम गधी के ओर जब हम ध्यान देंगे, तो जब मतलब गधी के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह बैठा, तो उसका बड़ा आदर और सम्मान होना शुरू हो गया, बड़ा ही उसका इज्जत करने लगे। पर समझ में क्या आ रहा है कि गधही का उसका मतलब स्वागत हो रहा है, पर उसका विशेष करके जो स्वागत हो रहा था, उसका विशेष करके जो आदर हो रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह का हो रहा था। आमीन, हालेलुया। अगर आज हमारे और आपके जीवन में कोई भी भला काम, यदि मैं पास्टर हूँ, यदि आप आराधना करने वाले हैं, यदि आपके जीवन में चंगाई दिया, छुटकारा दिया, भविष्यवाणी दिया है, कोई भी काम खुदा आपके द्वारा आपके ऊपर से करना शुरू करता है, तो ध्यान रखना आपकी खूबी नहीं है, आपके ऊपर जो काम कर रहा है उसकी खूबी है। लोग अगर आपका सम्मान कर रहे हैं, लोग अगर आपका आदर कर रहे हैं, लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके अंदर शैतान कहीं घमंड न डाले, किसी प्रकार से आपको शैतान आपको फिर परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको दूर न लेके जाए, आपको पाप में न गिरा दे। हालेलुया। बहुत से दास दासियां पता है क्या होते हैं, इसी बात के लिए क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं। किसका शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर घमंड आता है, मैं बहुत अच्छा कर पाता हूँ, मैं बहुत, मेरे द्वारा बहुत चिंद चमत्कार होता है, मैं बहुत अच्छी आराधना करता हूँ, मैं बहुत अच्छा वचन प्रचार करता हूं। गधही के ऊपर जब प्रभु बैठा तो पता है लोग गधही का आदर नहीं कर रहे थे, किसका कर रहे थे, प्रभु को कर रहे थे, पर गधही भी घमंडी हो गई होगी थोड़ी देर के लिए, है ना, ये देखो मेरे सामने लोग खजूर की डालियां डाल रहे हैं, मेरे सामने लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, उसके अंदर घमंड आया होगा। आज अगर हमारे आपके लाइफ में, जीवन में, कहीं पर भी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या किया है, एक ऐसा जानवर को, एक ऐसा पशु को पकड़ा है जिसको कोई सम्मान नहीं देता, लोग कोई आदर नहीं देता। किसी शादी में आया है गधे, घोड़े का लोग आदर करते हैं, पता है जब आप देखोगे तो घोड़े, अभी हमारे आपके तरफ उतना नहीं, पर दिल्ली के अंदर मैंने देखा है कि जब घोड़ा आता है तो उसके भी क्या करते हैं, ज्योति दिखाते हैं, उसको भी सम्मान करते हैं। पर आज समाज में कोई भी गधे का सम्मान नहीं देता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसका उपयोग किया। आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बाइबल का वचन, इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब मूर्ख को खुदावन, भजन संहिता 19 में जब आप पढ़ोगे, मूर्ख के ऊपर, एक थोड़ा हम पढ़ लेते हैं उसको, आपको समझ में आ जाएगा।
भजन संहिता 19 7 पद पढ़िए। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा के नियम क्या है? विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाती है। हाँ, क्या करती है? साधारण से लोगों को क्या करती है? वो बुद्धिमान समझदार बना देती है। कौन? प्रभु यीशु मसीह जैसे गधे के ऊपर बैठा वो साधारण थी, पर आज बाइबल के अंदर उसका नाम आया है। घोड़े का नाम आने रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको उपयोग किया, हाथी का उपयोग किया, रथ का उपयोग किया, ऐसा नहीं आया है। हो सकता है कि आप अपने समाज में, अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, अपने घर में आप मूर्ख हो, पर खुदा बंद अगर आपके जीवन में आ चुका है तो आप एक बलशाली बनोगे, आप एक बुद्धिमान बनोगे, आप एक आशीषित बनोगे। आपको उठाकर ऊंचा खड़ा करेगा, आपको सम्मान और आदर परमेश्वर दिलाएगा। पर अपने परमेश्वर को आप कभी नहीं भूलना, क्योंकि उसी के द्वारा आपको सब कुछ परमेश्वर आपको दे रहा है। आमीन। यहां पर परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है? साधारण से लोगों को क्या करती है? बुद्धिमान बना देता है। साधारण वो गधे का बच्चा था, पर वहां पर हम देख पाते हैं कि उसको बड़ा आदर और सम्मान उसको लग रहा है कि मुझे मिला है। अगर आपके जीवन में यीशु आ जाएगा, टीएन भाई को कौन लोग जानते हैं? काफी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे चर्च के वो मेंबर हैं। आज पता है बेशक यहाँ पर नहीं आ रहा किसी कारणवश, भाई छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है शायद, पर जहाँ पर भी वो काम करता है वहाँ पर 10 लोग 15 लोग आते जाते हैं, है ना? उसको सम्मान आदर कौन दे रहा है? प्रभु दिला रहा है, उसके जीवन से खुदा काम कर रहा है। हमारे नज़र में मूर्ख होगा, हमारे नज़र में बेवकूफ होगा, पर खुदा के दृष्टि में बहुमूल है वो। आमीन। जो परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जितना भी अब अगर हम यीशु के चेलों के बारे में जब हम मनन करना शुरू करते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो साधारण से लोग थे। हम लोग देख पाते हैं कि यीशु मसीह जब नदी किनारे जा रहे थे तो उसके चेले मछली मार रहे थे, वो यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे पीछे हो ले, क्या कर? अब इसका अर्थ यह होता है कि वो साधारण से लोग थे, पर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर सवार किया। ये तो समझ में आ रहा है कि गधे के ऊपर सवार किया। क्या यीशु मसीह हमारे आपके ऊपर भी सवार कर सकता है? शब्दों में आप समझ सकते हो कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवन से होकर जा रहा है लोगों के पास, हमारे आपके द्वारा लोगों को शांति और आशीष दे रहा है। यहां पर आज जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का जो पालन किया, जो सम्मान किया, और वो उसको ये पता है कि इसके बाद अगर आप जाओगे, जब आप जाओगे ना, यीशु मसीह की स्थिति और हालात वहां पर क्या हो रही है? खराब होती चली जा रही है। किस चीज के बारे में खराब हो रही है? आप इसको उल्टा नहीं समझना, यीशु मसीह की स्थिति खराब नहीं हुई है। इसका मेरे कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह और गहराई में जा रहा है, वहां पर उसको जो है मतलब उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, उसको पकड़ने की प्लानिंग बनाई जा रही है, उसको क्रूस पे चढ़ाने की प्लानिंग बनाई जा रही है, उसको मार डालने की प्लानिंग बनाई जा रही है। वो जानबूझ कर वो प्रवेश करता है, जानबूझ कर वो कदम लेता है प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आज हम आप प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बच्चे हैं, तो हमें और आपको जब भी परमेश्वर का वचन आता है, यहाँ पर अगर आज हमको आपको कहीं सम्मान मिल रहा है, कहीं आदर मिल रहा है, तो हम अपने प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, अपने प्रभु को नाम को महिमा दें। आमीन। क्योंकि वही हमको आपको सम्मान देता है, वही हमको आपको आदर देता है। मैं आपको बताऊँ, बहुत से बड़े बड़े मंच में
बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी उनके साथ खाने की बैठने की हिम्मत नहीं थी, पर प्रभु उनके साथ मुझसे बातें कराया, उनके साथ सोया, उनके साथ बातें किया, उनके साथ खाना खाया। अगर आज प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं होता तो शायद मैं उनसे मिल भी नहीं सकता था। हालेलुया। जिस समय गधे उनके ऊपर वो यीशु मसीह बैठे होंगे, गधे कुछ बोला होगा कि प्रभु यीशु मसीह आप बस करो, आगे मैं नहीं जाऊंगा, या बोला होगा एक काम करो, एक पैर थोड़ा टेक लो, वजन ज्यादा हो गया है, पता है। उसने अपने आप को, गधही ने पूरी रीत से प्रभु को समर्पण कर दिया, और आज हम देख पाते हैं कि उसका चर्चा परमेश्वर के कलाम में है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा की जा रही है। हल्लुया। पसदौरा के अंदर हम लोग एक ट्रेनिंग में गए थे, इसके विषय में प्रभु के दास लोग सिखा रहे थे, और पता है मेरा मनीष छोटा से था, तो वो लोग ये वचन बड़ा आनंद के साथ हंसी में सिखा रहे थे, बहुत आत्मा में भर के, और पता क्या कह रहे थे, हे गधे लोगों, जब हम लोग गधे बोलते थे ना तो हम लोग बहुत आनंदित होते थे, क्योंकि यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठा था, गधे के ऊपर बैठा था, हम ये कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर भी आप बैठे, क्योंकि जब गधे को सम्मान मिला तो हमें भी मिलेगा। हालेलुया। पर गधे की तरह हम अपने आप को क्या सुन्न करते हैं, क्या दीन करते हैं, क्या बाइबल को आप देख लो, बाइबल को आप देखो, यीशु मसीह के पास बुद्धिमान लोग आए थे समझने के लिए, पूछने के लिए, पर यीशु मसीह मूर्खों के पास गया था चुनने के लिए। समझ में आया बाइबल को? कोई भी किसी भी बुद्धिमान के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं गया कि तुम मेरे खुदा के नाम को ऊंचा करो और परमेश्वर की महिमा करो, पर यीशु मसीह के पास बुद्धिमान लोग रात में चुप्पे चुप्पे आते थे और कहते थे, मैं जानता हूं तू खुदा की ओर से होकर आया है, तू गुरु है, तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह उनको चुनता था, उनको छांटता था जो मूर्ख थे। मनीषा, जो लोग मूर्ख थे, जो लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, गंवार थे, उनको परमेश्वर चुनता है। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है, मैं जगत के मूर्खों को चुना हूं। कौन बोला ये बातें? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं मूर्खों को चुना हूं। यीशु मसीह नहीं कह रहा है कि मैं गया बहुत से पढ़े लिखे लोगों को, बहुत से गोरे चिट्टे लोगों को, बहुत से पहलवान लोगों को, बहुत से जो नाम ऊंचे हैं, मैंने उनको चुना, ऐसे प्रभु नहीं बोल रहा है। कह रहा मैं उनको चुना हूं जो मूर्ख हैं, जो बिल्कुल शून्य हैं, मैं उनको चुना हूं जो अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं, कि हाँ प्रभु जो कुछ है मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। परमेश्वर उनको ऐसे ऊंचाई पे बैठाता है, ऐसे ऊंचाई पे वो खड़ा करता है। आज हम देख पाते हैं कि बहुत से खुदा के दास दास ये लोग आते हैं, उनको माला चढ़ाया जाता है, उनके ऊपर माला डाला जाता है, सोल पहनाया जाता है, उनके आगे फूल फेंका जाता है, स्वागत किया जाता है। किस लिए करते हैं उनका स्वागत? टीजी थॉमस जी आए थे, कई ऐसे खुदा के दास लोग आए थे, आप लोग ने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, कैसे न कैसे देखा होगा आपने कि खुदा के दासों का कितना आदर किया जाता है। क्यों क्यों आदर कर रहे हैं उनका? यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर सवार है, प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा काम कर रहा है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का वाहन बनेंगे? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा आप आगे काम करें, मैं आपका आंख बनना चाहता हूं, मैं आपका हाथ बनना चाहता हूं, मैं आपका शब्द, मेरा होंठ आपका आपका मतलब शब्द बन जाए। आमीन। जो मेरे होंठ हो उसके द्वारा आपका शब्द निकलने पाए, मैं आपके संदेश को लेके जा सकूं। हालेलुया। गधही जहां जहां गई होगी यीशु मसीह वहां वहां गया। हालेलुया। आप जहां जहां जाओगे प्रभु यीशु मसीह वहां वहां जाएगा। जिस दिन यीशु उतर गया कुछ नहीं रह जाएगा, और यीशु अगर बैठा हुआ है सारी दुनिया आपके पीछे रहेगी। यीशु बैठा है, लोग स्वागत करेंगे, लोग सम्मान करेंगे, लोग आदर करेंगे। जिस दिन यीशु उतर गया फिर आप लटक गए,
बोलना प्रभु मुझे मत छोड़ना, मेरे को मत छोड़ना प्रभु। हालेलुया। आज आज यहाँ पर इस वचन को परमेश्वर में मतलब कि इसको दीनता नम्रता के बारे में सिखाना चाहता, बताना चाहता है कि परमेश्वर आपके काबिलियत को देखकर नहीं चुना मेरे भाई मेरे बहन, आपकी खूबसूरती को देखकर नहीं चुना है, आपकी पढ़ाई लिखाई को देखकर नहीं चुना है, आपको परमेश्वर आपको संसार ने नकार दिया था। प्रभु यीशु मसीह आपको उन्हीं के सामने उठाकर ऊंचाई पे खड़ा करेगा और बोलेगा ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं। अभी अभी आप जो देख रहे हो ना, जो देख रहे हो लोग मार रहे हैं पीट रहे हैं, सुनने में आ रहा हाउस चर्च नहीं लगेगा, है ना, सुनने में आ रहा है कि मसीह लोगों को मारा जाएगा काटा जाएगा, है ना, चर्च बंद कर दिए जाएंगे। मैं आपको बताऊं मिस्र में क्या हुआ था, कितनी विपत्तियां परमेश्वर ने भेजा। टीवी कैंसर पथरी ऐसे उड़ उड़ के जाएगा उनके ऊपर, घुटने पे आएंगे आप हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, कहेंगे मैं भी यीशु का दीवाना बनूंगा। आमीन। स्वर्ग उसका है, पृथ्वी भी उसकी है। अभी एक गवाही हम लोग सुन रहे थे, मैं जूम में बताया था कि एक प्रभु का दास था, पास्टर को गाली बक रहा था और एक कमरे में पास्टर दुआ कर रहे हैं, दूसरे कमरे में वो गाली बक रहा है और पास्टर जी पश्चाताप की प्रार्थना करा रहे हैं और पवित्र आत्मा उसको छुआ और वो वहां पर रोने लगा। यीशु मसीह ने एक चमक आया, एक उजाला आया, यीशु मसीह ने बोला तो मुझे क्यों दुख दे रहा है, मुझे क्यों सता रहा है तू। वो अचंभित हो गया, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, आवाज कहाँ से आ रही और मैं यीशु मसीह को कहाँ सता रहा हूँ। बोला आप कौन है, बोला मैं यीशु मसीह हूँ, मुझे क्यों सता रहा है। वो वहीं पर नाक रगड़ने लगा, घुटने टेका, बोला प्रभु मैं तो सोच रहा था कि मैं उस व्यक्ति को गाली दे रहा हूं, पर यीशु मसीह ने कहा जो मेरे बच्चों को कहता है वो मुझे कहता है। वो वहां पर घुटना टेका और जो पास्टर जी को बार बार मारने की धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था, उन्हीं पास्टर जी के सामने खड़ा हुआ, बोला पास्टर जी मैं रोना चाहता हूँ, बहुत बहुत चिल्लाना चाहता हूँ, मैं पापों का अंगीकार करना चाहता हूँ, मैं समर्पण करना चाहता हूँ अपने आप को। पास्टर जी प्रभु को धन्यवाद दिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज अपने बच्चे को चुन लिया आपने। हालेलुया। वो परमेश्वर है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मुझे यहाँ खड़ा किया तो उसकी सेवा कर रहा हूँ, अगर यीशु अगर चाहेगा तो मैं इससे बड़ी महल में भी सेवकाई करूंगा। यीशु मना कर देगा तो मैं मना कर खड़ा हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, मेरा काम नहीं है, आप मेरे पास नहीं आए, यीशु के पास आए। चंगाई मैं अपने आप की नहीं दे सकता, आपकी आपकी कहाँ दे सकता हूँ, मेरा यीशु आपको चंगा करता है। जितनी भी गवाहियाँ हुई मैंने किसी को चंगाई नहीं दिया, कौन चंगाई किया, यीशु मसीह ने किया है। अगर आज मुझे लोग आप आदर दे रहे हो प्रेम दे रहे हो तो ये मेरा, मैं इस योग नहीं हूँ, मेरा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वही है जो आपके द्वारा हमें सम्मान और आदर और प्रेम दिलाता है। हालेलुया। प्रभु कहता है जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा। जैसे आप ग्रहण करोगे उसका वैसे ही प्रतिफल पाओगे। आमीन। मैंने इसी सभा में देखा है कि लोग मेरे कपड़े को छूकर आशीषित हुए, वो कैसे ग्रहण किए मुझे मुझे नहीं पता, और कई लोग है कि मैं उनके सर पे हाथ हिलाता हूँ कुछ नहीं होता है। जैसे आप ग्रहण करोगे वैसे आपको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज जो आने वाला समय है लोग बोल रहे हैं बहुत गड़बड़ होगा, मैं आपको बताऊं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। उससे कौन लड़ सकता है भाई, हैं? लड़ सकता है कोई? जो स्वर्ग में था उसके पंखों में आवाज आती थी, आराधना करने वाला था, वो विरोध किया, परमेश्वर उठा के उसको कहां फेंक दिया। ये लोग तो भाई साहब लोग पृथ्वी में है, अभी स्वर्ग तो बहुत दूर है। स्वर्ग से फेंक देने वाला परमेश्वर है हमारा आपका। हालेलुया। जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा नहीं, उनको अपने
छत्र छाया में लगा देगा, बोलेगा ऐसे फूलो फलो जाओ, भविष्यवक्ता बन जाओ, नबी बन जाओ, प्रचार करो, पुलिस की तरह मार खाओ। आमीन, ऐसे ही करेगा वो। हालेलुया। इजरायलियों के ऊपर, वो मिस्र के ऊपर क्या किया, 10 विपत्तियां भेजा था। कितना भेजा था? 10। अच्छे अच्छे राजा घुटने टेक दे, इनके गांव उगा दिया। आमीन, ठीक है कि नहीं? पूरा का पूरा प्रजा घुटने टेक दिया, बोला भैया जल्दी ले जा अपने मिस्र के, जितना वो जितना अपन इसराइली लोग आए सब कर ले जा, जल्दी ले जा यहाँ से, जल्दी भागा, हम तेरे परमेश्वर से लड़ नहीं सके भाई। सब घुटने टेक दे, ऐसा ही होगा। हालेलुया। कैंसर भयानक रूप बनाएगा, टीबी भयानक रूप बनाएगी, बवासीर भयानक रूप बनाएगा, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां है। प्रभु जो भेजी ना ओकरे बच्चे जब सताई तो वही कहीं भैया डॉक्टर सही नहीं कही पाओ था, आप करी तो का करी, फिर कहीं एक काम करा जहाँ जगह सताया वही तो गोड़ गिरा, और जैसे आपके पैर छुएंगे जैसे क्षमा मांगेंगे वैसे आप हाथ रखोगे जाओ सही हो जाओगे, और आप जैसे कहोगे वैसा हो जाएगा। आमीन। अच्छा पौलुस का आंख को चंगाई देने वाला कौन था? हालेलुया। जैसे ही प्रभु के दास ने उसके आंखों पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, वैसे उसके आंखों से छिलका गिरा, वो तुरंत देखना शुरू कर दिया। ऐसे ही आने वाले समय में होगा, जैसे आप हाथ रखोगे, जैसे दुआ करोगे, वो लोग चंगे होंगे, कहेंगे भैया पौलुस की तरह मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु की महिमा करूंगा, मैं भी प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया। डरना नहीं है, ये सेवकाई खुदा की है, मेरी आपकी नहीं है। उसने बनाया हमको, आपको जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे, और हमको हमको डर नहीं है, घमंड है कि हम उसकी संतान है, हम मरेंगे तो हम प्रभु के पास जाएंगे, हमें ये घमंड है। आमीन। डरते वो है जो नरक में जाते हैं, हम नहीं जाने वाले। बोला हम नहीं जाने वाले। यीशु ने मेरे गुनाह को साफ कर दिया, धुल दिया है, यीशु ने हमारे पापों को तोड़ दिया है। क्या विश्वास करते हो क्या? यीशु मसीह ने कहा यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा से आगे वचन में जाएंगे, हम उसी में जाएंगे, मत्ती रची सुसमाचार में। जल्दी से पढ़ दें उसका 12 पद। हाँ, यीशु मसीह क्या करने के लिए आया है, ध्यान रखना जी। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, यीशु मसीह ने परमेश्वर के भवन में जाकर, उसके मंदिर में जाकर, उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, वो सब जो मंदिर में क्या कर रहे थे। अच्छा, परमेश्वर के भवन कैसे था, इधर देखे सब कोई, कैसे था भवन? आपने पिक्चर में मूवी में देखा है, एक भवन था, उसके अंदर क्या हो रहा था, कोई कबूतर बेच रहा था, कोई घोड़ी बेच रहा था, कोई गाय बेच रहा था, कोई भैंस बेच रहा था ना, कोई बकरी बेच रहा था, कोई भेड़ी बेच रहा था ना, सब बेच रहा था। पर यीशु मसीह ने वो क्या किया, जाके वहां पे क्या पलट दिया, जितना वो लेन देन का चौकी थी, काउंटर था, सब उठा के पटक दिया। यहाँ पर सिर्फ मेरे खुदा की आराधना होगी, परमेश्वर की प्रशंसा होगी यहाँ पर, और बाकी कोई भी लेन देन नहीं होगा। ये परमेश्वर का भवन है, ये पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े बनाए और उनको मार मार के सबको क्या किया, निकाल दिया। बोलो निकाल दिया। हालेलुया। किसको निकाल दिया? इसमें कितने लोग व्यापारी हो? हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के भवन को अपवित्र कर रहे थे, माल बेचना, माल खरीदना गलत नहीं है, व्यापारी बनना गलत नहीं है, परमेश्वर का भवन किससे दोषी हो रहा था, परमेश्वर का भवन किससे अपवित्र हो रहा था, परमेश्वर का भवन कैसे नष्ट हो रहा था, हमें यहां पर देखना है कि खुदा का जो काम है वो नहीं हो रहा था। और उस जमाने में प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमसे आपसे बोला कि वो परमेश्वर का भवन एक जमीन थी, एक आराधनालय था। पर पहली कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बाइबल हमें बताती है कि वो मंदिर आराधनालय थी, पर ये मंदिर कौन है? बोलो हम और आप है। कौन है? आगे थोड़ा सा पढ़िए,
यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर हाँ उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उन सबको जो लेन देन कर रहे थे जो गलत काम कर रहे थे निकाल दिया, उन सबको मार कर निकाल दिया और शराबों के पीड़े और कबूतर हाँ बेचने वालों की हाँ चौकियां उलट दी जी। और उनसे कहा हाँ लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। बोलो मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और परंतु तुम उसे क्या बनाते हो? ये प्रभु यीशु मसीह उन लोग से बोल रहा था कि परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर है, इसके अंदर आराधना होगी, प्रशंसा होगी, बड़ाई होगी। ये कलीसिया है, ये चर्च है, एक हमारे और आपके समझ के द्वारा अगर इसके अंदर मच्छी बेचना शुरू कर दे, जुआ खेलना शुरू कर दे, तो आपको दुख होगा कि नहीं? क्यों होगा दुख भाई, क्यों दुख होगा? क्योंकि यहाँ पर आप परमेश्वर की आराधना करते हो, प्रशंसा करते हो, यीशु मसीह का भवन है ना। हम इसको बोल सकते हैं कि परमेश्वर का पवित्र भवन है, पर इसके अंदर हम मछली मुर्गा नहीं काट सकते, इसके अंदर हम क्या नाम है जुआ नहीं खेल सकते, कोई भी इसके अंदर आएगा तो आपको गुस्सा लगेगी, है कि नहीं? पर पता है उस समय प्रभु यीशु मसीह आए और उसको देखे तो क्या किए, साफ किए, गंदगी को बाहर किए, उन सारे लोगों को बाहर कर दिए, जितने भी उसके अंदर दुष्ट थे वो सबको क्या क्या निकाल कर बाहर फेंका। फिर उसी भवन में क्या होता है, जल्दी से पढ़ो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए। तब देखो वहां पर पहले अंधे लंगड़े नहीं आए थे भाई, जब मंदिर को साफ किया गया तब अंधे और लंगड़े वहां पर आए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह ने सबको क्या किया, फिर चंगाई दिया। और परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने बस हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग चंगाई चाहते हैं, कितने लोग छुटकारा चाहते हैं? सिर्फ शरीर की चंगाई के बारे में आप बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग बहुत जगह कहीं ना कहीं टूटे हो, फंसे हो। बाहर से सुंदर चेहरा दिखता है हमारा आपका, पर अंदर कहीं ना कहीं गंदा काम चलता है, गंदी बातें चलती हैं, गंदे रिश्ते लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें बदबू आ रही है। उसको हम बोल सकते हैं कि जो दुष्ट लोग थे वो आपके अंदर हैं। उस समय आराधनालय मंदिर था, पर आज परमेश्वर का भवन है आप, परमेश्वर का मंदिर आप हैं। अगर आपके अंदर चुंगली है, अगर आपके अंदर चोरी है, यदि आपके अंदर व्यभिचार है, आपके अंदर अगर हत्या है, तो पता है आप परमेश्वर के मंदिर को क्या कर रहे हो, दूषित कर रहे हो, नापाक कर रहे हो, परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हो। इसी मंदिर के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में शांति देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। पर कब ये चंगाई होगा आपके द्वारा, कब आशीष निकलेंगी? जब आप अपने जीवन से, अपने अपने इस शरीर से उन तमाम गंदगियों को निकालकर जब आप बाहर फेंकेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस आराधनालय को क्या किया, साफ किया, फिर परमेश्वर की चंगाई वहां पर होना शुरू हो गई। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट हो? परमेश्वर चाहता है कि आप जो तमाकुल खाते हो ना, जो बीड़ी पीते हो ना, आप उसके मंदिर को नापाक कर रहे हो, उसके मंदिर को अशुद्ध कर रहे हो। बाइबल का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो? होगे नहीं हो? वो मंदिर था, वो भवन था, पर उसको क्या कर दिए थे लोग, नापाक कर तो दिए थे, पर जैसे उसको साफ किया गया वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, परमेश्वर की हुजूरी हो गई, परमेश्वर की चंगाई बहने लगी, परमेश्वर की शांति बहने लगी, परमेश्वर का आनंद आ गया वहां पर, अंदर देखने लगा, लंगड़ा चलने लगा, बहना सुनने लगा, लोगों के जीवन में शांति आना शुरू हो गई। अगर आज आप परेशान हो तो ध्यान रखना कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे कुछ बदबू है जिसे निकालने की जरूरत है, वो खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, कितने लोग सोते हैं? आप लोग नहीं सोते? आपका खूब बढ़िया बिस्तर लगा दिया जाए और आधा किलो तक सुरती हुई छितराई दी, सो गए हो? काहे
इसके अंदर तो खा लेते हो। अच्छा दो चार बोतल दारू दाएं बाएं से गिरा दी हैं, पूरे घर बदबू मारेगा, है ना मेरे प्रिय। ये परमेश्वर हमको आपको बताना चाहता है, अगर आज वो अपने जीवन में कुछ अच्छा देखना चाहते, कुछ भला देखना चाहते, कुछ तरक्की देखना चाहते हैं, कुछ शांति देखना चाहते हैं, जरूरी है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जरूरी कि अपने जीवन को हम आशीषित करें। हालेलुया, आप आशीषित तभी हो सकते हैं जब अपने जीवन से उन तमाम चीजों को आप बाहर निकालेंगे। सोचो कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और आपके अंदर से बीमारी निकाल कर बाहर फेंक देगा, नहीं हो सकता। अब बोलोगे हाँ होता तो है प्रार्थना करने के द्वारा, हाँ प्रार्थना करने के द्वारा होता है, झाड़ू मेरे हाथ में आएगी साफ करूंगा फिर गंदगी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। जब आप साफ सुथरा अपने आप को करोगे तब हमेशा के लिए साफ हो जाओगे, हमेशा के लिए आशीषित हो जाओगे। आमीन, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग चाहते हो कि आज मैं अपने जीवन से उन तमाम चीजों को, उस रिश्ते को मैं खत्म करना चाहता हूं, उस गंदे कामों को मैं खत्म करना चाहता हूं। कौन सा रिश्ता, कौन सा संगति है, कौन सी चीज जो आपके खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल बताती है आप एक खुदा के दास थे, हम लोग को सिखा रहे थे, उन्होंने एक बात बोला, बेटा जब आप किसी के पाप को क्षमा करते हो ना, वो तो आजाद होता है, उससे ज्यादा आप आजाद हो जाते हो। आप अपने आप को आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को माफ करो, दूसरी चीज अपने अपने गुनाहों और पापों को क्या करो, अंगीकार करो। आप क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा आपको, और जब आप अंगीकार करोगे तो परमेश्वर आपको भी क्षमा कर देगा। आमीन। आज हमारे और आपके जीवन में अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ये काम करते हो, आप वो काम करते हो, तो पता क्या होगा, हम दोष लगा रहे हैं, हम दोष लगाने वाले बन जाएंगे। पर वचन जब चलता है तो परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा लोगों से बात करता है, इसीलिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि परमेश्वर का वचन क्या करता है, क्या करता है, हमें बेहाल कर देता, हमारे प्राण को क्या करता है। एक वचन पढ़िएगा उसी को, फिर से पढ़िए 19 का भजन संहिता, हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। 19 का 17 था ना, 7 था, सॉरी। यहोवा की व्यवस्था खरी है, हाँ, वह प्राण को बहाल कर देती है। वह प्राण को क्या करती है, बेहाल कर देती है। अगर कभी कभी आपको लगा है कि वचन प्रचार हो रहा और आपको एकदम टच किया हो वचन और आप रोना शुरू कर दिए हो, पता है आपके प्राण को बेहाल कर देती है, और आपको उस समय शांति की जरूरत है, उस समय एक परमेश्वर की स्पर्श की जरूरत है जो आपको शांति दे, जो आपको आनंद दे, जो आपको खुशियां दे। आमीन। एक एक शब्द और परमेश्वर का वचन ही है जो आपको क्या करता है, आशीष की ओर लेके जाता है, शुद्धता की ओर लेके जाता है। पर संसार का कोई भी शब्द होगा, पता है अगर हमारा मामा, हमारा मामी, हमारा मौसा, हमारा मौसी, हमारा चाचा, हमारा चाची, हमारा पड़ोसी अगर कौनो खरी बात बोल दे है, तो पता है हम उसको जब देखते हैं ना, हमारे अंदर क्रोध प्रकट हो जाता है, हम उसको माफ नहीं कर पाते। हम अगर हंसी खुशी भी है ना तो दुखी हो जाते, पता है क्यों, क्योंकि हम उसको माफ नहीं कर पा रहे, उसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे। परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं कर पाता जब हम एक दूसरे को नहीं क्षमा कर पाते। अगर आपको आजाद होना, अगर आपको फ्री होना है, तो जिसे माफ नहीं कर पाते हो ना, उसी को ही आप गले लगाओ, उसी के माथे को चूमे, उसी से क्षमा मांगो। आमीन। आप तुरंत एक शांति को महसूस करोगे, तुरंत एक आशीष को महसूस करोगे। ये ऑलरेडी परमेश्वर आपको अपने कलाम के द्वारा बातें कर रहा है, और चंगाई छुटकारा तो परमेश्वर यूं ही आपको देगा, उसके देने में देरी नहीं है, वो अद्भुत देने वाला है और देता रहता है।
आमीन, हालेलुया। आज का वचन जो हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए, कार्य के लिए क्या बना? दीन और नर्म बना। दीन और नर्म बनोगे तभी उस विजय को प्राप्त कर पाओगे, उस विजय के प्रवेश में प्रवेश कर पाओगे। आमीन। अगर आज आप क्षमा मांग सकते हो, अगर आज अपने रिश्ते को सही कर सकते हो, तो आप रो सकते हो, परमेश्वर से बोल सकते हो कि प्रभु आज मेरे जीवन में आप काम करो। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हम लोग जहां भी कहीं मीटिंग हुआ, परमेश्वर के वचन जो हमें बताया गया, सिखाया गया, और वहां पर हम अपने आप को जो परमेश्वर के सामने रखते थे, घंटों घंटों तक हम लोग रोते थे। अभी ये मीटिंग बताया, एक दिन के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। तीन दिन, चार दिन, पांच दिन की जो मीटिंग चलती है ना, प्रतिदिन एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक विषय लिया जाता है, पाप क्षमा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, अलग अलग विषय लिया जाता है ना। अभी कई लोग को बोलूंगा एक दूसरे को पाँव छुओ, तो कुछ लोग ऐसे खजुए ही, हम सुनते ही नहीं ना, समझ रहे हो कि नहीं। अभी यूट्यूब पे आप वीडियो देखना, एक यूट्यूब पे वीडियो है, मैं लखनऊ से आया था और मैंने पैर धोने वाले की सेवकाई किया था, याद है? लोग रो रहे थे और कुछ लोग ऐसे खजुआत रहे, हम बोल रहे हैं तो ऐसे खड़ा हो जाएं, हम सुनते ही नहीं, हम कैसे इनके पैर छू ले। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर वो हमारे पाँव को हाथ लगाता है, अपने हाथ से धोता है और अपने अगौछे से क्या करता है, हमारे पाँव को पोछता है। और हम अपने भाइयों के पाँव को नहीं पोछ सकते, अपने रिश्तेदारों के पाँव को नहीं पोछ सकते, हम उनको गले नहीं लगा सकते, हम उनकी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। समस्या तो यही है ना, पाप है तभी आप दूर हो। अगर आपके अंदर पाप आया तो परमेश्वर से, पाप जैसे ही आदम हवा के अंदर, परमेश्वर से क्या हो गए? दूरी बन गए। अगर आप दूरी बना रहे हो तो आप पापी हो, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, आप क्रोधित व्यक्ति हो। अपने आप को दीन करो, नर्म करो, सुन्न करो। प्रभु कहता है तुम छोटा बनाओ, खुदा तुम्हें क्या करेगा, ऊंचा करेगा। आमीन। अगर बड़ा बनना चाहते हो स्वर्ग के राज में, तो अपने आप को सुन्न कर दो, दीन कर दो। हालेलुया। अगर मुझे बोला जाए तो मैं एक एक व्यक्ति का पैर अपने हाथों से धुलू और अपने बुस्कर से आपके पैर को मैं साफ करूं, क्योंकि खुदा ने मुझे इसी ये ऐसा हृदय दिया है। हालेलुया। मेरे पास बाल बड़े नहीं, आपके बाल से मैं आपके पांव पोछता, मरियम की तरह। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आपके जीवन में शांति देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, आपका चंगाई, आपका छुटकारा आपके अंदर है। आप जैसे आजाद करोगे अपने आप को, जब आप आजाद करते हो, स्वतंत्र करते हो अपने आप को ना, शैतान हिल जाता है। आपके घर को कोई फूट डालता है, किस लिए डालता है? आपके घर में समस्या अगर आती है, विपत्ति आती है, क्यों आती है? चार भाई लड़ते क्यों लड़ते हैं? पता है, पड़ोसी मजा देखने के लिए। शैतान जो आपसे विरोध करता है, वही आपके परिवार में फूट डालता है। हालेलुया। जब तक आपका भाई, आपका बहन, आपका बच्चा आपकी आवाज सुनेगा, आपकी आज्ञाकारिता में रहेगा, कभी भी आपके घर में फूट नहीं पड़ेगी। जिस दिन वो किसी गैर की आवाज सुनना शुरू कर देगा, घर में खंडमंडल हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर हमें, आपको बोलता है, अगर आपको परमेश्वर, अगर इस समय आपसे बात कर रहा है, तो अपने आप को सुन करो, दीन करो। प्रभु यीशु मसीह, पता है गधाई के ऊपर क्यों बैठा? क्योंकि वो स्वर्ग के सिंहासन पे बैठना था उसको। आप अगर दीन बनते हो तो परमेश्वर भी आपको स्वर्ग के अपने दाहिनी ओर बैठाएगा, आपको अपनी अनुग्रह दया में भरेगा, आपको अपनी अपनी आशीष में भरेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल के में परमेश्वर ने कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? यीशु मसीह राजा, तो सब बोलते थे राजा उसको, जीवन देने वाला, शांति देने वाला, सब कुछ करने वाला, पर अपने आप को क्या किया? उसको अवसर था, मौका था, वो किस पे बैठ सकता था? रथ पे बैठ सकता था, पर किस पे बैठा? वो गधे बैठा। किस लिए बैठा? क्योंकि खुदा के राज में उसको क्या करना है? बड़ा बनना है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम खड़े हो जाएं अपने स्थान पे।
सब्सक्राइब करना, लाइक करना, है ना।